हेलो दोस्तों इस लाल बटन को दबाकर मोबाइल एन पी सी सोल्यूशन सब्सक्राइब करें और ये बेल का घंटा भी दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं पर डे एक ट्यूटोरियल लोड करता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज मैं दोस्तों बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल में कोई गलत पैटर्न डाल देता है तो गलत पैटर्न डालने के बाद ये एप्स उसका फ़ोटो खुद ब खुद कैसे ले लेगा हाँ जी हाँ दोस्तों ये एप्स अगर आपका कोई अजनबी मोबाइल चलाता है और उसका गलत पैटर्न या पिन डाल देता है तो चुपके से ये एप्स उसका फ़ोटो ले लेता है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च बॉक्स पर सर्च करिए इंट्रोडर सेल्फ़ी इंट्रोडर सेल्फ़ी जिस टाइप का सर्च करते हैं सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है हालांकि दोस्तों इसे मैंने पहले इसे इंस्टॉल करके रख चुका हूं इसीलिए मैं इसे दोबारा इंस्टॉल करने वाला नहीं हूं मैं इसे डायरेक्टली ओपन करता हूं ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का जाता है यहाँ पर वेलकम टू तो इंट्रोडक्स सेल्फी टेप नेक्स्ट टू स्टार्ट तो मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ नेक्स्ट करके फिर दिखाता है हमको ग्रेंड परमिशन तो ग्रेंड परमिशन पे फिर क्लिक करना पड़ता है फिर इसे अलाउ कर देता हूँ फिर सेकंड इसे अलाउ कर देता हूँ फिर ये टिक में क्लिक करता हूँ फिर आई अंडर स्टूड में क्लिक करता हूँ फिर ग्रैंड डे एक्टिवेट एडमिन यहाँ दिखा रहा है इस पे क्लिक कर देता हूँ फिर ये सॉफ्टवेयर को ये एप्स को यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ एक्टिवेट करने के बाद फिर और आगे बढ़ते तीर में क्लिक करके फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों देखिए सेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट करेक्ट अनलॉक अटेम्प्ट फॉर ए पिक्चर टू बी टेकन इसका मतलब होता है दोस्तों कि कितने बार गलत पैटर्न डालने के बाद उस आदमी का फ़ोटो ये ऐप्स ले लेगा मैं यहाँ पर एक के जगह दो कर देता हूँ कि दो बार अगर कोई गलत पैटर्न आपका मोबाइल पे दिया तो ये एप चुपके से उसका फ़ोटो सेल्फ़ी खींच लेगा इसके बाद इसको फिर मैं और आगे बढ़ा देता हूँ आगे बढ़ाने के बाद इसके फिर यहाँ पर थ्री डॉट है थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में डायरेक्ट चले जाइए सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ पिक्चर कि वो आदमी का जो गलत पैटर्न दे दिया गलत पैटर्न देने के बाद उसको कितना बार उसको फोटो मोबाइल पे खींचा जाए एक दो तीन तो मान लीजिए मैं यहाँ तीन कर देता हूँ तीन करके ओके कर देता हूँ इसका मतलब है कि वो जो आदमी आपका मोबाइल पे गलत पैटर्न देगा गलत पैटर्न देने के बाद वो बार बार देता रहेगा तीन बार उसका पिक्चर ये सेल्फी कैमरा चुपके से उसका फोटो ले लेगा जी हाँ अब उसके बाद डिटेक्शन व्यवहार डिटेक्शन व्यवहार में देखिए यहाँ लिखा ओलवेज अगर ओलवेज में आप क्लिक करते हैं तो जितना बार आप भी अपना पैटर्न खोलेंगे उतना बार भी आपका भी फ़ोटो ये लेता रहेगा सेकेंड में फेल वेन इवर इसमें जो लिखा हुआ वेन ओवर समी फेल्स टू अनलॉक द डिवाइस टू शॉट पासवर्ड आर नॉट फेल एंड आर नॉट डिटेक्टेड तो इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर कोई आदमी गलत पैटर्न दे रहा है और गलत पैटर्न देने के बाद वह फेल हो जा रहा है उसको अनलॉक करने में तो ही इसका फ़ोटो लेगा तो मेरे हिसाब से दोस्तों यही में टिक देना सही है तीसरा में है सक्सेस वे निवे समी अनलॉक द डिवाइस मैंने तीसरा में बोला जा रहा है आप लोगों को कि जो आदमी सक्सेस होगा पैटर्न लॉक खोल देगा उसका भी फ़ोटो खींचना है या नहीं तब उसका फ़ोटो नहीं खींचना है तो इसीलिए मैं यहाँ टिक नहीं दूंगा चौथा हम बोल रहा है इंटरगेशन तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ मोड सक्सेस एंड फेयर यहाँ पर पूछा रहा है कि पैटर्न सही भी देने पर फ़ोटो खींचा जाएगा और गलत भी देने पर फ़ोटो खींचा जाएगा तो सही वो आपका जो अच्छा लगे आप उसी में कर सकते हैं हालांकि मैंने इसे फेल में ही टिक दे रख दिया है तीसरा में पूछ रहा है मैक्स एटम हालांकि मैंने अंदर में घुसकर कर मैक्स एटम मैंने दो बार पैटर्न गलती होगा उसको मैं दे चुका हूँ ओके okay, कि दो बार अगर कोई मेरा कोई पैटर्न गलत दे देता है तो ऑटोमेटिक यह कैमरा उसका चुपके से सेल्फ़ी से फ़ोटो खींच लेगा अब इसे सेव टू गैलरी आप इसे अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं या फोन में भी सेव कर सकते हैं वो जो आपकी मर्जी आप मैक्स पिक्चर मैक्स पिक्चर में आप कितना बार कितना बार आपको फ़ोटो खींचा जाएगा और एक बार बड़ा में पूछ रहा है अगर दो मैप कर देते टू में तो टू में करने के बाद थोड़ा बड़ा पिक्चर आएगा ओल्ड पिक्चर में भी नो लिमिट इप इसमें भी वन या टू कर सकते हैं कि कितना बार छोटा छोटा फ़ोटो आएगा या कितना बार खींचा जाएगा ओल्ड पिक्चर या पुराना पिक्चर भी अगर कुछ है तो उसे मैचिंग किया जा सकता है और आप इसे अपना कंप्यूटर या लैपटॉप से अपना जीमेल अकाउंट द्वारा अगर रजिस्टर कर देते हैं अपना जो जीमेल अकाउंट मोबाइल पे देते हैं वही जीमेल अकाउंट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या दूसरे हैंडसेट पे देते हैं तो ये आपका मोबाइल जब चोरी हो जाएगा तब चुपके से जब उसका सेल्फी एप्लीकेशन ले लेगा लेने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो फोटो आ जाएगा दोस्तों तो मैं इसे अब डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है मैं इसलिए अपना पैटर्न यहाँ पर से लॉक करता हूँ पैटर्न लॉक करने के बाद आप देखिए और तो दो बार अपना पैटर्न गलत दे रहा हूँ जानबूझ के देखिए दो बार मैं गलत दे चुका हूँ और एक बार गलत दे दे रहा हूँ देखिए मैं तीन बार अपना अब अपना मैं सही पैटर्न दे रहा हूँ सही पैटर्न देखने पर दोस्तों अब आप, आप देखिए ये पैटर्न काम किया या नहीं किया चलो हम चलिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग ये पैटर्न का अंदर जाते हैं ये ऐप्स का अंदर इंट्रोडस सेल्फी में तो हम लोग जब इंट्रोडस सेल्फी में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है दो बार फोटो देखे थे दो बार फोटो का दोनों बार फोटो आ चुका है दोस्तों हाँ। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन कैसा लगा लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना बिल्कुल ना भूले दोस्तों और हालांकि दोस्तों मैं ये ऐप्स का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों थैंक यू